जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का ये अगला वीडियो है, तो हम लोग जानेंगे कि इक्विलिब्रियम के लिए किस किस कंडीशन का होना जरूरी है। रिएक्शन शुड बी रिवर्सिबल एंड कैरिड आउट इन अ क्लोज कंटेनर। बच्चों आप जानते हैं कि जो इक्विलिब्रियम आता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होनी चाहिए, तभी आपका इक्विलिब्रियम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये देखिए हमने यहाँ पे दो रिएक्शन ली हुई हैं, तो आप देखिए पहली रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल है और दूसरी जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। तो आप ही बताइए कि हम लोग दोनों में से कौन सी रिएक्शन को क्लोज कंटेनर में करें जिससे हमारा इक्विलिब्रियम आ जाए। तो पहली रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल है, आप इसको कैसे भी कीजिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम कभी नहीं आएगा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन राइट साइड पर, इसको अगर आप क्लोज कंटेनर में करते हैं तो इक्विलिब्रियम आएगा। सर अगर मैंने कंटेनर या अपने जो रिएक्शन वेसल है, बर्तन जो है, उसको मैंने खोल दिया तो क्या होगा। अगर बेटा आपने कंटेनर को खोल दिया तो यहाँ से कोई प्रोडक्ट जो बना है वो बाहर निकल जाएगा, और उसके बाहर निकलने से यहाँ पे कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो पाएगी। और आप जानते हैं इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाती है, और ये तो आपने बाहर निकाल दिया। तो जब ये बाहर निकल जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी, इसकी ज़्यादा होगी, तो इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं आ पाएगा। If container is not closed, some of the product may escape and backward reaction will not occur. भी बताया था आपको कि इसकी concentration कम हो जाएगी और backward reaction नहीं जा पाएगी। Any one variable out of pressure, concentration, temperature should be constant. आपको ध्यान रखना है कि किसी भी reversible reaction के अंदर equilibrium लाने के लिए आपको pressure, concentration या फिर temperature, इनमें से किसी एक variable को constant करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए हमने लिया हुआ है H2O सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O लिक्विड। सिंपली बोल सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये आइस है और ये हमारा वाटर है, तो यहाँ पे आइस जो है वो वाटर के साथ इक्विलिब्रियम दिखा रहा है, और ये इक्विलिब्रियम तभी मेंटेन हो सकता है जब यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अगर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो आप इस क्लोज कंटेनर में आपको ठंडा पानी और बर्फ दोनों एक साथ मिलेंगे। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, इट मीन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन मूव विद सेम स्पीड। बच्चे इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनेमिक इन नेचर होता है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। तो जब बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो इक्वल रहेगी, तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो डायनेमिक है। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंड फ्रॉम आइदर साइड। इक्विलिब्रियम बच्चों किसी भी डायरेक्शन से एस्टेब्लिश हो सकता है, चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो रिएक्शन ली है, दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो पहली रिएक्शन जो है उसके अंदर HI रिएक्टेंट है और H2I2 प्रोडक्ट है, और दूसरी रिएक्शन के लिए H2 और I2 रिएक्टेंट है और HI प्रोडक्ट है। तो आइए इसको ग्राफ की हेल्प से आपको क्लियर कराते हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन से स्टेब्लिश हो सकता है, आ सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो HI का कंसंट्रेशन मैक्सिमम रहेगा, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो HI जो है वो डिसोसिएट होकर H2 और I2 देगा। तो आप देख रहे हैं H2 और I2 की कंसंट्रेशन रिएक्शन के स्टार्ट में जीरो होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा HI का कन्वर्जन H2 I2 में होना स्टार्ट होगा। इट मीन्स HI की कंसंट्रेशन घटेगी और H2 I2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों जब HI की कंसंट्रेशन H2 I2 की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी। और ये जब ऐसा होगा तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं कि H2 I2 की कंसंट्रेशन और HI की कंसंट्रेशन समान हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है, तो ये पॉइंट कहलाएगा इक्विलिब्रियम। अब दूसरी रिएक्शन देखिए, यहाँ पे H2 I2 रिएक्टेंट है और आपका HI प्रोडक्ट है, तो हम लोग इसके लिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे H2 I2 कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में हाईएस्ट होगी
और एच आई की कंसंट्रेशन जीरो होगी। जैसे जैसे टाइम बीतेगा और रिएक्शन प्रोसीड करेगी, एच आई की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और एस टू आई टू की कम होगी। ये देखिए, और एच आई की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और एक पर्टिकुलर टाइम पे जाने के बाद रिएक्शन के अंदर एस टू आई टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एच आई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी और ये पॉइंट कहलाएगा इक्विलिब्रियम। तो आप देख पा रहे हैं कि इस रिएक्शन के अंदर चाहे आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएं या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएं, दोनों तरफ से आपका इक्विलिब्रियम आ सकता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर साइड, वेदर इट इज फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम इज नॉट शिफ्टेड बाय एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। अगर किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं कि भाई ये हमारा जो है यहाँ से डिस्टर्ब होगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखिए कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को शिफ्ट या डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम अनअफेक्टेड रहता है। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ कैरेक्टर्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आपको पता होने चाहिए।